Hello students welcome to module number 16 of your introduction to data science course in this module we are going to cover fundamentals of inferential statistics inferential statistics is about study of data collected through a sample and then making generalization about the overall population in this, we use different techniques like probability theory, probability distribution, then we use different estimations or forecasting techniques. Then there is something called central limit theorem, which is very interesting, basically, uh, you know, theory or a theorem about the data we collect from samples. And then we talk about hypothesis testing. Again, hypothesis testing is the I would say basis of our inferential statistics. We collect the data. We have certain assumptions. We set assumption about a data which is called null hypothesis, and then which is normally you note it with H zero. Then H one is your alternative hypothesis, which you discover after putting your or applying your statistical model or the statistical distribution on the data so in this picture you see that there is a population and there is a sample so a sample has to be collected most probably or it is best is to select a random sample there are different techniques again sampling or random sampling is a complete subject within statistics but we assume here that we are just talking about basic uh, sampling techniques so we select a random sample from a population and we have to make sure that when we apply data collection method जो कि बेशक आपका कोई मरदमशुमारी है कोई सर्वे है तो आप कोशिश करें आपकी प्लानिंग इस तरह की होनी चाहिए कि आप ट्रू रिप्रजेंटेटिव ऑफ जो पॉपुलेशन है वो कलेक्ट कर सकें ताकि जो उसके ऊपर आप जनरलाइजेशन करें कोई एस्टिमेशन करें अबाउट दी पॉपुलेशन वो उसका इट शुड बी क्लोज टू द रियल वैल्यूज अभी हमने प्रोबेबिलिटी की बात की तो प्रोबेबिलिटी इज समथिंग अबाउट हैपनिंग ऑफ समथिंग अगर मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ करिए आप पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारे पास ये डाइस है वो लूडो का जो दाना है वो जब हम उसको रोल करते हैं तो दे आर सिक्स डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपका एक आएगा दो आएगा थ्री फोर फाइव सिक्स एवरीबॉडी लाइक अ सिक्स लेकिन वो आता नहीं है बेसिकली यू हैव टू वेट क्योंकि दिस इज़ सम विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल एंड इट इज़ बेसिकली डिपेंड ऑन समथिंग विच आई थिंक नो बॉडी नोज़ कि वो एक क्यों आता है और दो क्यों आता है एनी वेज दिस इज़ जस्ट टू एक्सप्लेन यू द प्रोबिलिटी थेरी किसी भी चीज़ के जो होने का चांस है उसके हैपन होने का जो चांस है दैट इज़ कॉल्ड प्रॉबिलिटी जैसे बारिश है तो बारिश का अभी हम ये प्रॉबिलिटी में या एस्टिमेशन में वेदर फोरकास्ट बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें ये यूज़ होते हैं और बेशुमार अंदर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की चीज़ें भी हैं जो कि हम जब आप ये हम अप्लाई करेंगे जाके इन चीज़ों को अपने डिफरेंट जो आपके मॉडल्स होंगे स्टेटिस्टिकल तो वो फिर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और दिस वॉज जस्ट टू इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस हेयर एंड अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ प्रॉबिलिटी थ्योरी इसमें सबसे वन ऑफ दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इससे भी सिंपल एग्जाम्पल अगर आप कॉइन टॉस करते हैं हेड आएगा या टेल आएगा यू you नो know, तो इसी तरह ये फिर और डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं दिस इज़ बेसिकली योर प्रॉबिलिटी और इसको जब आप बहुत ज़्यादा सैम्पल इकट्ठा करते हैं कि अगर आपने एक एक डाइस को रोल किया है सौ दफ़ा किया है या पाँच सौ दफ़ा किया है तो जो उसके रिज़ल्ट आते हैं उनको आप टैली करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं या अगर आप फिर दो डाई को आप रोल करते हैं फिर उसके जो रिज़ल्ट आते हैं कि फ़र्स्ट में एक में तीन आया दूसरे में पाँच आया एक में छः आया दूसरे में छः आया तो ये जब सारा आप करते हैं तो ये फिर इस तरह से आपकी जो पूरा डाटा इकट्ठा होता है और फिर जब हम उसको प्लॉट करते हैं किसी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक तो वो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जा, बन जाती है ये दुनिया में जहाँ पे ये गेम्स पे बहुत ज़्यादा बैटिंग होती है कसिनोज वगैरह पे तो वहाँ पे ये जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे एप्लीकेबल है अब फंडामेंटल ऑफ ये जो हमारी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है इसके अंदर जो स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन है कि मैंने एक डाटा इकट्ठा किया उसके ऊपर मैंने कोई मॉडल बिल्ड किया उसके ऊपर मैंने फिर कोई एस्टिमेट किया कि जैसे अभी हम इन वन ऑफ द प्रीवियस मॉड्यूल्स वी वर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट जब आप एक पचास ओवर का या एक बीस ओवर का मैच खेलते हैं तो वो जो टीम मैनेजमेंट है वो पूरा उसको प्लान करती है कि अच्छा पहले दस ओवर में मैंने ये करना है बीस में ये करना है तीस में ये करना है और अगर वो उस तरह से नहीं होता तो वो उसको जो है वो फिर उसको उस हिसाब से मैनेज करते हैं कि अच्छा अगले ओवरों में स्पीड बढ़ानी है आपने एवरेज बढ़ानी है या एवरेज रोकनी है डिपेंडिंग अपॉन क्या बॉलिंग करते हैं या बैटिंग तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ़ एस्टिमेशन अच्छा ये जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है ना दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ये ये कहता है कि एवरी इन दिस वर्ल्ड इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विच इज़ इनफैक्ट नॉट बट ये थ्योरम है जो कि बहुत सारी चीज़ों में हमारे पास एप्लीकेबल है कि जैसे जैसे एक चीज़ पर बहरहाल दैट इज़ स्टैटिस्टिकल प्रूवन कि आप जैसे जैसे सैम्पल का साइज़ बढ़ाते हैं तो इट बिकम्स क्लोज टू योर पापुलेशन और वो जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं तो जब आप डिफरेंट स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को आप स्टडी करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि वो जब आप सैम्पल साइज़ बढ़ाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कन्वर्टिड इन टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें जो फाइनल है इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्ट में दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसके अंदर जैसे हमने पहले भी बात की कि नल हाइपोथेसिस है फिर आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है और बेस्ड ऑन दैट आप तीनों एरियाज में इसको जो है ना स्टडी कर सकते हैं जो आपकी लेफ्ट साइड है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की जो लोएस्ट साइड है सेंटर साइड है या आपकी जो हायर साइड है उन तीनों को आप स्टडी uh, कर सकते हैं ये जो बेल शेप कर्वर है इट डज नॉट मीन कि ये चीज़ छोटी है या बड़ी ये बेसिकली नंबर ऑफ अक्रेंसिस होते हैं या उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस है ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है